प्रकाश अंबेडकर साहब भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के पुत्र हैं और राज्यसभा का पूर्व सदस्य रहे हैं। उनके बिहार में आगमन होने जा रहा है, जो बिहार में चुनाव होने जा रहा है, बाबा साहब के पुत्र अंबेडकर साहब इस चुनाव में अपना भी कैंडिडेट उतारने के लिए संकल्प लिए हैं कि बिहार में हम भी अपने लोगों को चुनाव लड़ाएंगे गठबंधन से, महागठबंधन। तो हम लोग इसकी अभी ये तो अभी इसकी तैयारी अभी हम लोग नहीं किए हैं, क्योंकि हमारे नेता 22-23 तारीख आने वाले हैं, 21-22 तारीख को बैठ कर हम लोग राय विचार करके ही हम लोग तय करेंगे कितने सीट पर हम लोग लड़े और किन से गठबंधन करें। उनकी तैयारी को लेकर आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं कि आप लोग के माध्यम से पब्लिक में, जनता में मैसेज जाएं कि बाबा साहब के पुत्र अंबेडकर साहब बिहार में आगमन होने जा रहे हैं। बिहार विधानसभा की तैयारी किस तरह से कर रहे हैं आप लोग? बिहार विधानसभा की तैयारी 243 सीट पर हम लोग तैयारी करेंगे। खासकर हम लोग दलित, शोषित, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को लड़ाने का काम करेंगे। जो बिहार में जो स्थितियाँ हैं वो स्थिति हमारे साथ में है, उस स्थिति को देखते हुए हम लोग कोशिश करें कि जितने वंचित समाज के लोग हैं उन लोग को हम लोग मौका दें, क्योंकि सभी दल में लोग हैं, समाज के कमजोर वर्ग के लोग सभी दल में हैं, लेकिन सभी पार्टी के लोग इनको ठगने का काम कर रहा है। आप लोग मीडिया के साथी हैं, आप बताएं, आप लोग देख रहे हैं कि जो सबसे जो कमजोर जो वर्कर है, वर्कर को किसी पार्टी के लोग, खासकर रूलिंग पार्टी के लोग टिकट देने का काम नहीं कर रहा है। हम लोग ऐसे लोगों को टिकट देंगे जो समाज से जो वंचित लोग हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, सही माने में पब्लिक के प्रति काम कर रहा है, उसके दुख सुख में साथी हैं, उन लोगों को हम लोग बुलाकर टिकट देने का काम कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव जब भी आता है तो बहुत सारी पार्टियां आती है, इसका फायदा दूसरे पार्टी को होता है, क्या उसमें आप क्या करेंगे? देखिए, प्रकाश अम्बेडकर साहब बिहारी नहीं पूरे देश के नेता हैं, और पिछले बार प्रकाश अम्बेडकर साहब जो RJD JDU का सरकार था उस महागठबंधन में प्रकाश अम्बेडकर साहब की बड़ी भूमिका थी। उनके आने से JDU RJD का महागठबंधन सरकार बना था, गांधी मैदान में उनको न्योता प्राप्त था, राष्ट्रपति के कैंडिडेट थे। उनका ये मानना था बिहार में जो भी जातियां हैं वो अपने अपने स्थान पर सही है, लेकिन जो सरकार की ताना सरवैया जो है, बेरोजगारी की हो, चाहे किसानों की हो, चाहे मीडिया की हो, आज मीडिया भी सुरक्षित नहीं है इस देश में, बिहार में खास करके। तो मेरा ये मानना है, प्रकाश अम्बेडकर साहब से टेलीफोनिक बात हो रही है बिहार में परिचर्चा के लिए। पिछले हम लोग लगे हैं कि 29 या 20 के पहले हम लोग पूरे पटना को जय भीम और जय भारत बनाएंगे, अम्बेडकरवादी सरकार बनाएंगे, और हम लोग इस मुद्दे पर उठे हैं कि बिहार में जो बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, किसानों की समस्या है, दलितों की समस्या है, पिछड़ों की समस्या है, और गरीब स्वर्णों की समस्या है। तो ये राज्य सरकार जो है तानाशाह सरकार है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे कोरोना वायरस के लेकर के एक भी दवा का व्यवस्था सरकार, खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर पाई, सरकार इस मामले में विफल रही। तो हम लोग उसी चीज़ को देखते हुए, प्रकाश अम्बेडकर के विचारों को देखते हुए, सभी जगदेव बाबू विचारों को देखते हुए, जननायक कपूर ठाकुर विचारों को देखते हुए, और आपको रामलखन जी के विचारों को देखते हुए, हम लोग यहाँ बिहार विधानसभा में महागठबंधन के पक्ष में प्रकाश अम्बेडकर साहब आवेंगे, और महागठबंधन के पक्ष में ही लगभग हम लोग का मानना है कि उतरेंगे सर, और कैंडिडेट को उतारेंगे। महागठबंधन से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आपकी पार्टी कितने सीटों की मांग कर रही है? अभी ये मैडम अभी हम लोगों का बात चल रहा है, उच्च स्तरीय दिल्ली बम्बई में बात चल रही है। हम लोगों को लगता है कि RJD, कांग्रेस, NCP और माले, भपका माले और अन्य जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, सब लोग मिलकर के एक गठबंधन बनेगा। तो हम लोग उस प्रयास में हैं कि बाबा साहब की पार्टी जो हमारे देश पार्टी है, वंचित बहुजन मोर्चा, यानी कि महाराष्ट्र में इसको वंचित बहुजन अघाड़ी का मत